नागदा में बहुराष्ट्रीय कंपनी के अनियमितताओं के खिलाफ शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की है। शिकायत को लेकर शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय से अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए पहुंची। कार्रवाई के लिए जांच टीम प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी लेक्सस के द्वारा भूसे से बिजली बनाने के लिए उमरना और महतवास में भूसे का स्टॉक किया जाता है, जिसकी अनियमितताओं को लेकर योगेश शुक्ला ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी। शिकायत के बाद शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोक सूचना अधिकारी और वैज्ञानिक एस के संघाई और अरविंद शर्मा जांच के लिए उमरना स्थित बायोमास स्टोरेज सेंटर पर पहुंचे। संघाई के अनुसार लेक्सस के द्वारा 4 से 5 स्थानों पर लगभग 50 फीट ऊंचे ऊंचे भूसे का स्टॉक रखा है, जिसको प्लास्टिक से ढका होना बताया गया है, जबकि नियम के अनुसार स्टोरेज केंद्र के आसपास 10 फीट ऊंची दीवार होना चाहिए, जिसका अभाव यहां पर पाया गया। आपातकालीन स्थिति में भी भूसे को आगजनी से बचाने के लिए 1.5 केएल के 2 स्टोरेज टैंक होना पाया गया। जब टीम जांच करने के लिए पहुंची तो स्टोरेज केंद्र से ट्राले में कम मात्रा में भूसा भरा जा रहा था, जबकि इसी दौरान एक और ट्राला में क्षमता से अधिक भूसा लेकर कर्मचारी मौके पर गया। ये देखते ही अन्य कर्मचारी हरकत में आ गया और इस ट्राले को स्टोरेज सेंटर के बाहर खड़ा करवाया ताकि अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़े। इस दौरान उद्योग के कर्मचारी अजय श्रीवास्तव, नरेंद्र रजावत आदि मौजूद थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता और अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। इनकी योगेश शुक्ला जी की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें ये था कि इनका जो लेंसेक्स उद्योग के द्वारा जो भूसे का भंडारण किया जाता है, उसके संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसकी मैं जांच करने के लिए आया हूँ। मैं प्रतिम खरे साइंटिस्ट हूँ, क्षतिकारक जूनियर, और ये श्री हरिशंकर शर्मा जूनियर साइंटिस्ट हैं। हम दोनों यहाँ जाँच करने के लिए आए हैं। सर, जाँच में क्या पाया? प्रथम जाँच में है, आप भी यहीं पर हैं। उसमें देखिए, जितने इन्होंने 6 टिप्स में उसको एकत्र करके रखा हुआ है भूसे को, वो सब कवर्ड है। ये पैराशूट मटेरियल का जो क्लॉथ होता है उससे इसको कवर करके रखा है, और बाकी हम दो हिप से मटेरियल का लोडिंग हो रहा है ट्रक्स में, ये चीज़ पाई है। अभी मैंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को नागदा लेंसेस फैक्ट्री के अंदर जो भूसा उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए, उसके संबंध में उसके प्रदूषण के मामले में शिकायत की थी। उस मामले को लेकर उज्जैन से एक जांच दल यहाँ आया हुआ है, और अभी ये उमरना में जो इनका भूसा भंडारण क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने जांच की है, और यहाँ ये पाया गया कि पूरे क्षेत्र में जहाँ पे इनका भंडारण किया है बाउंड्री वाल नहीं है, जबकि जितनी इसकी हाइट है 40 से 50 फीट का भंडारण है हाइट पे, वहाँ चारों तरफ किसी प्रकार की बाउंड्री वाल बनी हुई नहीं है, और खुले के तौर पे काफ़ी कुछ खुला क्षेत्र है, और वहाँ पे भंडारण और ये टालों पे भूसा भरा जा रहा है खाली करा, जिससे काफ़ी डस्ट उड़ता है, और इस डस्ट उड़ने से आसपास की फसलें खराब होती है। बरसात के दिनों में ये सारा गीले हो जाता है भूसा, और इसमें सड़न के कारण काफ़ी कीड़े, जीव जंतु, बिच्छू और चीटे होते हैं, जो आसपास के रहने वाले लोगों को, उनको जान का खतरा रहता है।